है कि लॉस इन द अवेलेबल एनर्जी। अब अवेलेबल एनर्जी में कितना लॉस हो रहा है ड्यू टू द हीट ट्रांसफर बिटवीन द फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस। अब मैं बोल रहा हूँ कि लॉस देखो 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 अब इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल सन है कि सन में से सन में क्या होता है, देखो सन से हीट लेते हैं डायरेक्टली, सन से सोलर प्लेट कलेक्टर में हीट ऐसे होती है, फिर उसको वाटर गर्म होता है, फिर उस वाटर को यूटिलाइजेशन एनर्जी में होता है, कहीं पे भी होता है। डायरेक्टली हम सन की हीट को हीट इंजन में नहीं डाल सकते, हीट इंजन में नहीं डाल सकते। इसका रीज़न है देखो, अगर मैं बोलूँ ये बॉडी वन टेम्परेचर टी पे, ये क्या है बॉडी वन टेम्परेचर टी पे, बॉडी वन टेम्परेचर टी मतलब सन हो गई, सन से मैंने हीट लिया उसको, सन से हीट लिया उसको ऐसे समझ लो ये बॉडी है टी वन टेम्परेचर पर क्यों हीट सप्लाई है, सन में जो हीट है उस डायरेक्टली क्या इस हीट इंजन में यूज़ कर सकते हो, मतलब कि सन की इनको अपनी बाइक की इंजन में नहीं तो यूज़ कर सकते क्योंकि सन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, सन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, इस क्यू वन हीट को क्यू हीट में चेंज किया, एक दूसरे बॉडी के टी टू टेम्परेचर पर चेंज कर दिया, सेम क्यू हीट को क्यू हीट में दूसरे बॉडी के, मतलब कि सन को मैंने सोलर प्लेट कलेक्टर पे गिराया, सोलर प्लेट कलेक्टर से बॉडी की टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर कम करने के बाद यूज़ किया, ठीक है ऐसा किया। तो देखो अब लॉस इन अवेलेबल एनर्जी कितना हो, लॉस इन द अवेलेबल एनर्जी इंक्रीज इन द अनअवेलेबल एनर्जी, ये होता है लॉस हो रहा है। देखो अवेलेबल एनर्जी क्या, इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी। अब देखो ये बॉडी टी वन टेम्परेचर पे एम्बियंट टेम्परेचर टी नॉट से मैंने एक क्या किया कि लॉस निकालने के लिए, ओरिजिनल तो ये था टी नॉट टेम्परेचर पे ओरिजिनल था, हीट इंजन रिवर्सिबल लगाया इसमें क्यू टेम्परेचर पे हीट इंजन रिवर्सिबल लगाया, ठीक है अवेलेबल एनर्जी। तो ये हीट इंजन रिवर्सिबल क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे रहा है टी वन टेम्परेचर पे एम्बियंट पे दे रहा है, सिमिलरली क्यू अमाउंट ऑफ हीट एक बॉडी क्यू टू को दे रहा है टी टू टेम्परेचर पे, उससे एक हीट इंजन फिर वो रिसीव सिंक में कहाँ कर रहा है वो कहाँ दे रहा है एम्बियंट पे दे रहा है, ठीक है ये एम्बियंट पे दे रहा है। तो अब देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखो लॉस इन द अवेलेबल एनर्जी इज ए वन माइनस ए टू, क्या ए वन माइनस ए टू, देखो ओरिजिनल हमारा क्या था, जो ओरिजिनली हमारा ये था ए वन, अवेलेबल एनर्जी उतनी है ना टी वन सन के टेम्परेचर से मान लिया, और ये क्या है ए टू अवेलेबल एनर्जी टू, क्या इन दोनों बॉडी के बीच में, ये बॉडी और एम्बियंट इन दोनों के बीच में एम्बियंट है अवेलेबल एनर्जी टू, तो ये मैं माइनस करूँगा तो मैं लॉस हो जाएगा, कितना लॉस होगा एक्चुअली में इस दोनों के बीच में अवेलेबल एनर्जी ए वन और इस दोनों के बीच में, मतलब यही हीट इंजन से इसमें अवेलेबल एनर्जी टू है, ये टेम्परेचर ज़्यादा ही कम है टी वन ग्रेटर दैन टी टू, अवेलेबल एनर्जी क्या, अवेलेबल एनर्जी ऑफ क्यू एट टी वन विद रिस्पेक्ट टू टी नॉट, फर्स्ट की एनर्जी क्यू में वन माइनस टी नॉट टी वन टेम्परेचर, जो पता है हमको ज़्यादा थी पीछे था टी वन तक देख लेना स्लाइड पीछे, अवेलेबल एनर्जी टू इज अवेलेबल एनर्जी ऑफ क्यू एट टी टू विद रिस्पेक्ट टू टी, तो अवेलेबल एनर्जी डिफरेंस ले लिया ये था, देखो दिखा देता हूँ, देखो अवेलेबल एनर्जी टू की टी टू टेम्परेचर पे क्यू अमाउंट ऑफ सेम क्यू अमाउंट ऑफ हीट और ये टी वन टेम्परेचर पे, तो अवेलेबल एनर्जी क्यू वन माइनस टी जीरो बाई टी वन विद रिस्पेक्ट टू टी इज वन माइनस टी जीरो बाई टी टू, ठीक है डिफरेंस ले लिया, तो अवेलेबल एनर्जी चेंज इन क्यू माइनस सॉल्व है इसको क्यू क्यू कट गया माइनस और टी नॉट बाई टी और माइनस माइनस प्लस टी नॉट बाई टू, टी नॉट कॉमन ले लिया बाहर निकाला क्यू अंदर ले लिया क्यू बाई टी टू क्यू बाई टू, अब क्यू बाई टी टू और माइनस क्यू बाई टी टू ये क्या डेल्टा जनरेशन एस टू है, डेल्टा एस क्यू बाई टी टू और क्यू बाई टी वन, डेल्टा एस के लिए क्यू बाई टी वन क्या है माइनस और डेल्टा क्यू बाई टू क्यू वन बाई टू, तो हीट इज रिजेक्टिंग बाई द सिस्टम निकल रही हीट नेगेटिव होगा, अब हीट इसमें आ रही है तो पॉजिटिव होगा, हीट इस बॉडी में आ रही है इसलिए क्यू टू बाई टू पॉजिटिव है डेल्टा जनरेशन पॉजिटिव है, तो वहीं पे माइनस क्यू टू बाई की क्या निकल रही हीट तो उसको पॉजिटिव लिया हमने मतलब निकल रही है ना इसलिए नेगेटिव लिया, तो ये दो चीज़ का सम अवेलेबल एनर्जी सम ऑफ द दोनों बॉडी का सम, तो डेल्टा अवेलेबल एनर्जी चेंज इन अवेलेबल एनर्जी टी नॉट डेल्टा, देखो डेल्टा एस टू डेल्टा एस वन क्या, अगर पीछे वाली दोनों बॉडी को एक में यूनिवर्स मान लो तो यूनिवर्स ही तो इरिवर्सिबिलिटी क्या, इरिवर्सिबिलिटी आई बोला कि टी नॉट डेल्टा एस यूनिवर्स लॉस इन द अवेलेबल एनर्जी, तो लॉस इन द अवेलेबल एनर्जी क्या होता है इरिवर्सिबिलिटी होता है, ठीक है लॉस इन अवेलेबल एनर्जी याद रख लो इरिवर्सिबिलिटी टी नॉट डेल्टा एस यूनिवर्स, डेल्टा एस यूनिवर्स क्या सम ऑफ द अगर तीन बॉडी होती है डेल्टा एस वन डेल्टा एस टू डेल्टा एस थ्री डेल्टा एस चार होती तो डेल्टा एस हो रहा था, ठीक है अब देखो
अगर हम इसको इस चीज़ से समझना चाहें ग्राफ से, तो ग्राफ से कैसे समझ सको, टेम्परेचर टी टी एच डाइग्राम है, तो टी एच डाइग्राम में क्या देखो, पहले क्या 1 to 2, ये देखो पहले था 1 to, तो टी वन टेम्परेचर और ये टी नॉट, पहला सन मान लो टी वन टेम्परेचर में था, तो उसकी जो एनर्जी है उसमें, उसके अंदर एनर्जी है वो कितना है, इसके अंदर एनर्जी कितनी, इतनी है 1 to 2 हीट ऑफ लाइट और 3 to 4 पर रिजेक्शन कर रहे, तो इसमें एनर्जी कितनी है, जब ब्लू से ना वाला एनर्जी बना है। और देखो अब टी टू टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पे ले आए हम, तो कम टेम्परेचर पे ये वाला फोर्स, हीट तो सेम है, तो हीट सेम है तो वर्कडन सेम होगा, तो नेट वर्कडन, तो इस वाली जो छोटा वाला वर्कडन है इसको कंपनसेट करने के लिए थोड़ा सा आगे जाएगा ये, तो देखो ये ऐसा आगे जाएगा, तो पहले अनावेल एनर्जी इतनी थी, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ गया तो ये बढ़ गया, तो ये जो है वो इंक्रीज इन द अनअवेलेबल एनर्जी है, दिस इज द इंक्रीज इन द अनअवेलेबल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट पेज दिखाता हूँ, एक सेकेंड। सो हम कहते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इससे पता चलता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यू अवेलेबल टेम्परेचर की, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स की, देखो पीछे कहता है क्या कि क्यू होता है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स कहती है क्वांटिटेटिव लॉ होता है, लेकिन सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स कहती है क्वालिटेटिव लॉ होता है, कैसे, क्योंकि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में देखो हमारे पास दो हीट है, दो टेम्परेचर है क्यू वन क्यू टू, तो देखो एक लोअर टेम्परेचर पर एक हाई टेम्परेचर पर होता है, ठीक है। तो लोअर टेम्परेचर वाला कहता है कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि दोनों के पास सेम थर्मल एनर्जी है, ठीक है, लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि अगर वो ज़्यादा टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर पर टी वन है किसी अमाउंट की और लोअर टेम्परेचर पर टी टू है, तो टी वन हैविंग द हायर ग्रेड एनर्जी, मैं ये भी कहती है, तो ये क्वालिटेटिव लॉ होता है, क्वालिटेटिव, और क्यू वन क्या, और फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा क्वान्टिटेटिव लॉ, तो देखो टाइप टू, टाइप वन कदम, और टाइप टू अवेलेबल एनर्जी अवेलेबिलिटी एक्सर्जी फॉर द क्लोज सिस्टम। अब हम क्लोज सिस्टम के लिए करते हैं, फिर इसका ओपन सिस्टम ही आएगा, तो अवेलेबल एनर्जी हम किसके लिए, क्लोज सिस्टम के लिए निकाले, तो क्लोज सिस्टम के लिए अवेलेबल एनर्जी निकालने का तरीका देखो क्या होता है, लेट अस कंसीडर द क्लोज सिस्टम एट एलिवेटेड स्टेट हैविंग प्रॉपर्टी पी टी वी एस यू वन, एलिवेटेड स्टेट पर टेम्परेचर इसका कितना होगा, पी वन टी वन यू वन, उसकी किस, उसकी कुछ भी स्टेट की प्रॉपर्टीज होगी, कोई भी स्टेट की प्रॉपर्टी, ठीक है। मैक्सिमम देखो, तो अवेलेबल एनर्जी फॉर द क्लोज सिस्टम इज मैक्सिमम वर्क डन इन द प्रॉपर्टीज सराउंडिंग अप टू दैट, यही बताई थी मैंने कि अवेलेबल एनर्जी क्या क्लोज सिस्टम की, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क कितना ऑब्टेन कर सकते हैं सिस्टम में से, ठीक है, उसको डेड स्टेट से जाने से पहले पहले, वही बात लिखी हुई यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं पी वन टी वन, तो कोई एलिवेटेड स्टेट पर एक बॉडी है, तो वर्क मैक्सिमम ए वन, अब इसने क्यू अमाउंट ऑफ हीट सराउंडिंग से लिया, ठीक है, और कुछ वर्क